प्रदेश की वो 10 सीटें कौन सी हैं जहां उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। सबसे पहले बात करहल की, वो सीट जो एसपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन यहां तैयारी पूरी हो रही है कि ये सीट जाने नहीं देंगे, क्या प्लानिंग है। इसके बाद मिल्केपुर सीट की तैयारी है, इसको लेकर प्रभारी बना दिए गए, हर एक सीट के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। फिर कठेरी सीट, सीसामऊ, कुंदर की, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और ये शहरी इलाका आ जाता है। फिर मझवा सीट और मीरापुर सीट। अब देखिए, यहाँ समझिए, इनमें से जो 10 सीटें हैं वो 5 सीटें तो एसपी का गढ़ कहा जाता है, वहां जीत हुई थी उनकी, और इसमें से जो 5 सीटें हैं वो बीजेपी की ही मानी जाती हैं। और आपको अब जानकारी दे देते हैं कि कैसे इस सीट को लेकर तैयारी की जा रही है। दरअसल देखिए, आपको बता देते हैं, इन 10 सीटों को लेकर मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। ये 10 सीटें हमने आपको बता दी, लेकिन अब चुनौतियां क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उपचुनाव की घड़ी है और योगी की स्पेशल 30 तैयारी हो गई है। करहल सीट, सबसे पहले करहल आपको बताते हैं, जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये भी समझ लेते हैं, ये भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये इलाका आसपास का इन्हीं का है, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है तो इनको जिम्मेदारी दी गई है। फिर मिल्कीपुर, सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, इन चारों को प्रभारी बनाया गया, इन धुरंधरों को उतार दिया गया और कह दिया गया है ये तुम्हारा ग्राउंड है और तुम्हें जीतना है और तुम्हें तैयारी भी करनी है। कठरी की बात कर लेते हैं, स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इनसे कहा गया है कि आप इंफॉर्मेशन भाई जुटा के लेकर आइए, कहाँ चूक हुई बताइए। सीसामऊ, सुरेश खन्ना, संजय निषाद को यहाँ पर तैयारी के लिए मैदान में उतार दिया है। और इसके अलावा सीसामऊ वो सीट भी है जहां से, देखिए इनमें से 10 सीटों की बात करें तो एक सीट सीसामऊ वो सीट है जहां से अयोग्यता की वजह से सदस्यता चली गई थी विधायक की, और उनको वहां से हटाया गया और अब उपचुनाव हो रहे हैं। फूलपुर की बात कर लेते हैं, दयाशंकर सिंह है, राकेश सचान भी यहाँ पर मैदान में है और उनको उतार दिया गया है मैदान में। इसके अलावा फूलपुर के अलावा अगर बात करें तो कुनकुरी भी है जहां पर मैदान में प्रभारियों को उतार दिया गया है। दरअसल खैर सीट, लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह, ये दो प्रभारी यहां पर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी वही स्ट्रेटेजी के साथ है, पुराना फॉर्मूला कि माइक्रो लेवल तक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उतारा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप इंफॉर्मेशन लाइए, जो गलती हुई है सुधारनी है वो गलती। इसके अलावा गाजियाबाद सदर की बात करें, मझवा की बात करें तो अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद, ये वो 3 प्रभारी बनाए गए हैं जिन्हें मैदान में उतार दिया गया है। मीरापुर की बात कर लेते हैं, अनिल कुमार है, सुमेंद्र तोमर है, केपी मालिक है, जिन्हें मैदान में उतारा गया है और उपचुनाव के लिए ये स्पेशल 30 तैयार कर दी गई है। ये वही धुरंधर हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, राघवेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र देखिए, कुल मिलाकर मीटिंग हुई, बैठक हुई, स्पेशल 30 तैयार हुई, धोबी पचाट चित की तैयारी है योगी की। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और यह कहा गया है कि आप अपने तरीके से अब सरकार को चलाइए, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आपका जनादेश है, पूर्ण बहुमत की सरकार आप देश के सबसे बड़े सूबे में चला रहे हैं, ऐसे में कोई भी आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने स्पेशल 30 की बैठक बुलाई अपने आवास पर, जिसमें सभी वो 30 मंत्री आए जिनको जिम्मेदारी दी गई है उपचुनाव के लिए। उपचुनाव विधानसभा का होना है, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी होगी और इन 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। हालांकि यह मुकाबला सीधे एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में होगा, सीधी सीधी फाइट होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम उम्मीदवार हैं, एक सहयोगी दल से हैं, आरएलडी से हैं, जिनका कि विधायक इस समय सांसद बन चुका है, साथ ही 4 या 5 सीटें सीधा जो फोकस होती
करनी है, वो समाजवादी पार्टी वहां मजबूती से खड़ी है, ऐसे में मुकाबला काफी टफ है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चक्रव्यूह रचना अभी से ही रचना शुरू कर दिया है, सभी मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें राज्य मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, और एक नहीं तीन चार चार मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है इन 10 सीटों पे, कि कहीं दो हैं, कहीं तीन हैं, कहीं चार हैं, और आप जाइए स्ट्रेटजी बनाइए, वहां पर देखिए कि क्या स्थिति है। जो कार्यकर्ता शिथिल पड़ गए हैं, जो कार्यकर्ता नाउम्मीद हो गए थे, उनके अंदर फिर से ऊर्जा लाइए, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो समर्थक हो, और चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, इन विधानसभाओं में पूरी जो संगठन है उसको एक्टिव करना है, उसको फिर से उसी ताकत के रूप में लाना है जैसे कि 2017 रहा है, 19 रहा है, 22 रहा है, उसी मोड में कार्यकर्ताओं को लाना है, क्योंकि कार्यकर्ता ही वह बैकग्राउंड होता है। निश्चित तौर पर यहां पर उसको लेकर तैयारी भी बड़ी हो रही है और तमाम वो जो प्लानिंग है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास राघवेंद्र। तो देखिए तैयारी यहाँ पर तमाम की जा रही है, वो सीटें हमने आपको दिखा दी जिन सीटों पर फोकस किया जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि चुनौती क्या है, क्योंकि चुनौती भी यहाँ पर कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है दिल्ली से रास्ता यहीं से जाता है, और लोकसभा चुनाव में हमने देख भी लिया। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि अब चुनौती कौन सी है इन सीटों पर, मेन खड़ी दिखाई देती है जिन पर ध्यान भी दिया जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की ये 10 सीटें रहने वाली हैं जहां पर फोकस किया जा रहा है। 5 सीटें सपा के कब्जे में, 5 सीटें बीजेपी और सहयोगी दल के कब्जे में है, लेकिन इन 10 में से 10 सीटों पर कैसे फोकस किया जाए ये भी आपको बताते हैं। सपा के पास करहल, कठेरी, कुंदरकी, सीसामऊ सीटें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का समझ लेते हैं, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर और निषाद पार्टी और आरएलडी के पास एक एक सीट है। मझवा और मीरापुर सीट है उसके कब्जे में। अब 10ों की 10 सीटें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसकी भरपाई करनी है उपचुनाव में, और इसको लेकर ही तो तैयारी चल रही है और मीटिंग भी हुई है। अब ऐसे में ताबड़तोड़ फाइट की तैयारी में आप जरा समझ लीजिए, सपा की ये सीटें हैं, बीजेपी की ये सीटें हैं, निषाद पार्टी के पास मझवा है, तो आरएलडी के पास मीरापुर सीट है। किसने छोड़ी कौन सी सीट उपचुनाव में ये भी आपको बताएंगे। करहल की बात करें तो देखिए यहाँ से अखिलेश यादव जीते, फिर उसके बाद कन्नौज से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की जब ये सीट खाली हो गई। बीजेपी की बात करें तो खैर, गाजियाबाद, फूलपुर है, और निषाद पार्टी की बात करें तो मझवा है, और आरएलडी की बात कर ले तो मीरापुर सीट है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर जो चुनौती है वो कम नहीं है। और चलिए अब इस पर एक और बार चर्चा कर लेते हैं, राघवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र देखिए हम वो सीटें भी दिखा रहे थे जहां पर चुनौती है, और चुनौती कम नहीं है, और इस वजह से ही शायद तैयारी इतनी हो रही है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट क्या है, क्योंकि जब हम समझ रहे हैं कि चुनौती इतनी ज्यादा है तो किस तरीके से ओवरकम किया जाएगा। देखिए अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ वहां पर सत्ताधारी दल यह कह रहा है कि विपक्ष ने जनता को गुमराह किया, जैसे कि यह कहा गया विपक्ष के द्वारा कि संविधान समाप्त हो रहा है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, दोबारा कभी चुनाव नहीं होगा, साथ ही 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, फॉर्म भराया गया, 8,500 रुपए महीने दिए जाएंगे, ये जो तमाम तरह की जो लालच दी गई और जो गुमराह किया गया, अब यह चलने वाला नहीं है। अब इसको घर घर तक बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कतई नहीं समाप्त करने जा रही, बल्कि मजबूत करने का काम करेगी, और जो आरक्षण है आरक्षण भी समाप्त नहीं होगा, बल्कि आरक्षण और देने का काम होगा, आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया गया है और आगे और उसको बेहतरीन किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने जो झूठ बोला कि यानी हम आपको 8,500 रुपए देंगे, जो फॉर्म भराया गया, जैसा कि आपने कुछ महीने पहले आपने दृश्य देखा कि लोग महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पर लाइन लगाया करती थी, लगा के मांगती थी कि आखिर मेरा पैसा कहाँ गया। तो ये सब चीज़ें बीजेपी पहुंचाएगी जनता के बीच में कि जो लोकसभा में हुआ, जो वहाँ पे आप लोगों को जो जाल में फंसाया गया, आप लोगों को जो गलत चीज़ें बताई गई, आपको गुमराह किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बैकग्राउंड यह है, साथ ही मेहनत यानी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, साथ ही मंत्रियों को वहां पे लगाना, प्रचार खुद करना। मुख्यमंत्री पूरे इस चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर जाके वो रैली करेंगे, वहां पर लोगों से वो बात करेंगे, हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह वहां पर उतरेगा, काम करेगा, और सरकार और संगठन मिल करके यह उपचुनाव लड़ेंगे, और संगठन मिलकर काम करेंगे, तैयारी यह भी है।